हम समझते हैं कि हम तब तक कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम इंडिया के साथ बराबरी के टेबल पे नहीं आते। और हमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका जो विजन 2030 है उसकी समझ ही नहीं आई, जिसकी भारत को समझ आ गई। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान की। हमारे करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई भी कश्मीरी जो पढ़ा लिखा होगा वो नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो चाहेगा कि मैं इंडिया का ही हिस्सा। सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपको खरात ज़कात ग्रांट ये जो ग्रांटे मरांटे थी ना ये नहीं हम देंगे। कि भारत बहुत मजबूत जगह पर इस वक्त खड़ा है और उसमें ये कश्मीर कश्मीर वाला जो ये लोग करते रहते हैं वो इनको बंद करना होगा। हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हम लोगों के बारे में कश्मीर वालों सिंपथी शो करते हैं कि मतलब बहुत सिंपथी है हमें कि पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कि अभी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर और भी कई सारे मिनिस्टर ने जो है ना पाकिस्तान का दौरा किया है। और पहले हम जब भी देखते थे तो कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आता था या पाकिस्तान के कोई मंत्री मिनिस्टर अगर बाहर जाते थे तो कश्मीर का जिक्र ज़रूर करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बिल्कुल मना कर दिया इस बात को लेकर कि कश्मीर का जिक्र जो है ना अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कभी नहीं किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि सऊदी अरब ने जो है ना तस्लीम कर ली इस बात को कि जो कश्मीर है ना वो भारत का अभिन्न अंग है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है, पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है वो मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से यही नारा लगा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पिछले दिनों जो है शहबाज शरीफ साहब उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, वहाँ जाके कश्मीर के मुद्दे पर जब उन्होंने बात की तो सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोला कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलेटरल इशू है, आपस में बातचीत से हल करें, सऊदी अरेबिया इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बता दें सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की। क्या पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि कश्मीर पे बात करना जो है वो अब रायगा है, या फिर कश्मीर उनसे बिलोंग नहीं करता? क्योंकि सऊदी अरेबिया से जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पे बात करना चाहिए थी, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो क्या पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि पाकिस्तान के कश्मीर के अलावा भी और बहुत सारे मसले हैं? देखें, कश्मीर का मसला पहले तो बातचीत से अगर हल होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट बेसिकली मसला ये नहीं कि पाकिस्तान बनाना है कश्मीर को, पाकिस्तान खुद रहने के काबिल नहीं है। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री, पिछले 2 साल की हिस्ट्री, तो तकरीबन को 30 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे मुल्क से चले गए हैं। तो मुल्क का मसला ये नहीं है कि कश्मीर का मसला ये नहीं कि कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना है, कश्मीर को आज़ाद होना ये मेजर मुद्दा है। तो बेसिकली कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, ना कि इंडिया में मर्ज हो जाए या पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो खुद डिस्टेबलाइज है इस वक्त। अगर आप शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इन लोगों की बात करते हैं तो वो तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इन लोगों के इंटरेस्ट तो है ही नहीं पाकिस्तान, इनके तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं है, तो कश्मीर के लिए वो लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने हमेशा हर इंटरनेशनल फॉर्म पर एक ही बात की, एक ही आवाज़ उठाई कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टांस नहीं आया। लेकिन अब पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर बात करना ही छोड़ दिया और ये बड़ी हैरत की बात है पाकिस्तान के लिए। देखें, इस वक्त आपका खारजा पॉलिसीज आज़ाद नहीं है, ठीक है। आप डिपेंडेंट है टोटली IMF पे, अमेरिका पे, इसराइल पे। आप उनकी इजाज़त के बगैर आप कोई आपका आर्मी चीफ या कोई भी बयान भी नहीं दे सकता उनके खिलाफ, ठीक है। तो UN है या जो भी है वो जब तक आप मेजॉरिटी में नहीं होंगे, मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें इत्तेफाक तो है नहीं बिल्कुल इस वक्त। अगर आप फ़लस्तीन को सिर्फ देख लें, कितने अरसे से इसराइल कॉन्टीन्यूस बम्बार्डमेंट्स कर रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन उसका कोई किसी ने कोई सिर्फ बयानात कुछ मुल्कों ने दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब आप ये देखें कि कश्मीर के मुद्दे पे किस मुंह से बात करें। पहले तो आज़ाद कश्मीर के हालात देखें, फिर उसका मुआवजा थोड़ा जम्मू कश्मीर के साथ करें। जम्मू कश्मीर में अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, 5G वहाँ पे चल रहा है, IT हब्स हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको पंजाब में 5G मिल रहा है? मेरा ख्याल है यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं आता। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जो एज अ ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहे हैं,
एक रिलीजियस कार्ड यूज किया जा रहा है, एक कश्मीर कार्ड यूज किया जा रहा है, एंड सॉरी टू से एक औरत कार्ड यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये चीज है सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए है और कुछ भी नहीं है। जब आप सब कार्ड चलते भी ये सब कार्ड चलते हैं, जब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है आप इन कार्ड को यूज करते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, अगर आप पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान ना टूटे जो 1971 में टूटा था बांग्लादेश अलग होके, अगर मजीद ना टूटे जो पॉलिटिकल कल्चर है इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कल परसों की बात है कि असफ भुट्टो ने नेशनल असम्बली का खल्फ उठाया, 50 साल बाद उसके बच्चे उठाएंगे, जिस तरह के शरीफ ख़ानदान है उनके बच्चे तर बच्चे आ रहे, वो खल्फ उठाए जा रहे, वजारतें मिली जा रही है। क्या पाकिस्तान में और कोई नहीं है, इतने काबिल और कोई नहीं है जो इस मुल्क को संभाल सके? ये नारे की ज़रूरत हमें क्यों पेश ज़रूरत हो रही है कि नवाज शरीफ आएगा मुल्क को बचाएगा या जरदारी आएगा मुल्क को बचाएगा? क्यों पाकिस्तान में और लोग नहीं है, काबिल नहीं है कि ये लोग? जब तक ये इलीट क्लास का जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंटरफेयर है ये ख़त्म नहीं होगा और जो लोअर मिडिल क्लास है ये ऊपर नहीं आएगा तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बदलेगा। और ये तब मुमकिन है कि हम सब यूनिटी एक यूनिट हो यूनाइट हो के आके आवाज़ उठबुलंद। इंडिया की कामयाबी का राज ही यही है कि वो नेशनलिज्म को आगे रखते हैं। अब आप देखिए उनसे आप पूछे ना नेशन फर्स्ट और रिलीजियस, वो क्या कहेंगे? नेशन। बिल्कुल नो डाउट कि वो तरक्की कर रहे हैं और तरक्की कर भी चुके हैं पाकिस्तान में। बहरहाल बाकी रही बात कश्मीर की, तो मैं 110% आपको कह सकता हूँ कि कश्मीरी भी ये नहीं चाहते कि वो इंडिया के साथ ऐड हो जाएं, वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हों, लेकिन हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो लास्ट टाइम आपने भी डिस्कस किया कि सिचुएशन जो आपने देखी थी उसमें सारे जो इतनी सर्दी में लोग बाहर थे उनको भी इसी वजह से कह रहे थे कि ये इंडिया की साइड पे बात कर रहे हैं, या फिर इंडिया के लोग इस पे बात भी कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं बोलते, वो बल्टिस्तान बोलते हैं, गिलगित बल्टिस्तान हमारा हिस्सा है ये वो। तो इसमें मैं आपको यही बात करूँगा, फैसिलिटेट ज़रूर करना चाहिए और ये नहीं कि ये अगर उसमें बात अगर नहीं की गई है तो इंडिया वालों ने जो है ना कश्मीर को हासिल कर लिया या फिर कश्मीर वहाँ से कोई भी बाहर ऐसे नहीं ले सकता। क्यों वो इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं? क्यों मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ काम करना चाहिए? भाई इंडिया के अंदर उनको कोई इस तरह गालियां नहीं देता ना। अगर चीन कारोबार करने आए ये चीन को गालियां देते हैं, अमेरिकन बिजनेस करें ये अमरीकियों को गालियां देते हैं, यूरोपियंस कारोबार करेंगे GSP प्लस स्टेटस देते हैं ये उनको गालियां देते हैं, बर्तानिया पाकिस्तान का भला करता है किसी न किसी शक्ल में हमारी उनके साथ रहता है तो ये उनको गालियां देते हैं। मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ इस चीज की कि ये लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, इनको ये क्या टिकटॉक पार्टी है? मतलब आई डोंट से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ये सब आपको पता मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पॉलिसी लेवल की डिस्कशन करने में। सो ये क्या मतलब टिकटॉक के लोग बने हुए हैं? दे जस्ट लाइक मतलब दे आर वेस्टिंग टाइम, ये मुल्क का वक्त जाया कर रहे हैं। पहले हमें सऊदी अरब को समझने में टाइम लग गया, सऊदी अरब ने क्या है कि हम आपको खरात ज़कात ये जो ग्रांटे मरंटे थी ना ये नहीं हम देंगे, पैसा आएगा तो इन शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है जी, पाकिस्तान के वो एसेट्स खरीद देंगे रीजनेबल प्राइस पे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों का ही रिएक्शन देखा है, दरअसल जो बात की जा रही है जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है वो यही है कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को विजिट किया है और यहाँ पर उन्होंने जो है ना $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को लेकर एक पाकिस्तान के साथ वादा भी किया है। हालाँकि उन्होंने कहा है कोई भी लीगल एग्रीमेंट पाकिस्तान और उनके बीच में साइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब जो है ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा, अब कब करेगा इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तानियों के हिसाब से निकल कर आई वो ये है कि यहाँ पर ना तो पाकिस्तान ने कोई भी स्टेटमेंट दी कश्मीर को लेकर कोई बात की, ना सऊदी अरब की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है जहाँ पर भी जाता है कि एक बार कश्मीर का जिक्र हो जाए तो पाकिस्तान की जो आवाम है ना उसको तसल्ली मिल जाए कि चलो हमारे नेता जो है ना कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है कि भैया कश्मीर का जिक्र हम बार बार अब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो भारत का अभिन्न अंग है
और इस बात को अब सऊदी अरेबिया भी मान चुका है। और सऊदी अरेबिया जैसा कि भारत के साथ भी इनकी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर सामने आते हैं, लेकिन यह एक मेजर डेवलपमेंट है कि किसी भी बड़े इस्लामिक कंट्री जो सऊदी अरेबिया जो काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है उसने जो है ना पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो है ना जिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।